Hello dear students, welcome back to our channel, Vigyanpur, myself, Ajay Sharma, and dear students. This is our lecture number two on height and distance for RPSC class 12. So, dear students, in the previous video we have discussed the concept for height and distance. Okay. So, where we have seen what is angle of elevation, what is angle of depression, what is line of sight, etc. Okay. So if you haven't seen that video, then you can go to the description of this video there you will find a link so from there you can watch that video first okay so video dekhne ki baad hi yeh wali video dekhna. so dear students we are now discussing example number 3 so the shadow of a 1.5 meter tall student tall student स्टैंडिंग ऑन ए प्लेन ग्राउंड इज़ फाउंड टू बी वन मीटर एंड एट द सेम टाइम सैडो ऑफ ए टावर ऑन ग्राउंड इज़ फाइव मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर सो जो मैंने आपको टिप्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बनाने वाले हैं सो लेट्स मेक द डायग्राम

तो बेसिकली आपका सैडो कब बन रहा होगा लुक हियर बच्चों अगर यहाँ पे मेरा सन होगा देन इसका सैडो कहाँ बनेगा then इसका सैडो ग्राउंड में ऐसे बनेगा ना ओके okay? जैसे कि देखिए लुक इफ यू कैन सी कि आपको मेरो, मेरा मेरा सैडो दिख रहा होगा है ना उस साइड बल्ब है तो बल्ब से क्या हो रहा है आपका सैडो दिख रहा है ओके सो डियर स्टूडेंट्स सैडो कब दिखेगा जब यहाँ मेरा सन होगा तो सन मेरा इस तरफ सन की रेज आ रही होगी तो इस बच्चे का जो 1.5 मीटर का जो बच्चा है उसका सैडो मेरा इस साइड यहां पे ऐसे दिखेगा ओके और ये जो आपको सैडो का लेंथ दे रखा है दिस लेंथ इज वन मीटर ओके डियर स्टूडेंट्स आ गया समझ में ना साथ में ही एट द सेम टाइम उसी टाइम एक टावर है फाइव मीटर का उसी टाइम एक टावर है फाइव मीटर का तो बच्चों उसी टाइम ये मेरा सन भी उसी पोजीशन पर होगा ना तो फाइव मीटर टावर का जो सैडो है वो इस साइड होगा ऐसे ओके ना ओ ये आपको जो फाइव मीटर है ये टावर का हाइट नहीं दे रखा ये इसका सैडो दे रखा है

इसको भी ऐसे मिला देते हैं ओके पॉइंट्स ए बी सी मान लीजिए इसको इसको मान लीजिए पी क्यू एंड आर ओके डियर स्टूडेंट्स देखिए हमें कंसेप्ट क्या यूज करना है यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं सैडो एट द सेम टाइम सैडो एट द सेम टाइम सो दोनों ही केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरा सेम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स सो so, हमें सिंपली इस एंगल ऑफ एलिवेशन को इक्वेट करना है ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये मेरा इक्वल हो जाएगा कब होगा जब सैडो मैं सेम टाइम पे ले रहा हूँ ओके सेम टाइप टाइम पर अगर मैं सैडो की बात करूँगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा दोनों ही केस में सेम होगा ओके सो लेट्स सॉल्व इट डियर स्टूडेंट्स सो लेट दिस इज थीटा ओके तो ये भी क्या हो जाएगा अपना थीटा हो जाएगा और मैं हाइट को क्या मान लेता हूँ एच मान लेता हूँ सो so जो मैंने अज्यूम किया है उसको मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे सो लेट एंगल ऑफ एलिवेशन लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा ओके एंड हाइट ऑफ टावर एंड हाइट ऑफ टावर इज फाइव मीटर हाइट ऑफ टावर इज फाइव मीटर ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा यस यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ ना क्या हो जाएगी टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस सो यर परपेंडिकुलर इज वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय बेस इज वन मीटर सो डियर स्टूडेंट्स टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री बाय

ओके नाउ सेकंड फिगर से मैं टेन थीटा फाइन कर रहा हूं ओके सो फ्रॉम फिगर टू फ्रॉम फिगर टू मेरा टेन थीटा क्या हो जाएगा दिस पी क्यू डिवाइडेड बाय दिस क्यू आर ये और नो यस and tan theta is dear students equal to h upon 5 h upon 5 aa chuka hai hamara koi dikkat kisi ko nahi honi chahiye so mark this as equation number 2 so dear students equation number 1 or 2 ka left side same hai to तो right side bhi kya ho jayega same ho jayega so from there i will write कि from first and second h upon 5 is equal to 3 upon 2 दैट मींस एच इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू दैट इज सेवन पॉइंट फाइव मीटर क्या यही आंसर छोड़ दो नहीं आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे फाइन द हाइट ऑफ टावर सो लास्ट आंसर में एंड कहां करूंगा द हाइट ऑफ टावर इज सेवन पॉइंट फाइव मीटर डियर स्टूडेंट ओके वॉज इट फाइन ओके सबको समझ आ गया सो दिस वॉज द हाइट ऑफ टावर नाउ द लेक्ट क्वेश्चन ओके नाउ एग्जाम्पल नंबर फोर डियर स्टूडेंट्स देखिए कि देयर इज ए स्मॉल आईलैंड इन हंड्रेड मीटर ब्रॉड रिवर की वी हैव ए हंड्रेड मीटर ब्रॉड रिवर और उसके ऊपर एक छोटा सा आईलैंड है एंड देर इज ए टोल ट्री ऑन दिस आईलैंड ये जो आपका आईलैंड है इसके ऊपर क्या है एक बड़ा सा आ, ट्री भी है पी एंड लाई ऑन दी ऑपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर पी एंड क्यू जो है वो ओपोजिट बैंक्स है मतलब किनारे हैं रिवर के ओके सच दैट पी क्यू एंड ट्री आर इन द सेम लाइन कुछ इस टाइप से है कि जो आपका पॉइंट है ना पी और क्यू और जो ट्री है वो तीनों एक ही लाइन में है इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी एंड क्यू एट द टॉप ऑफ द ट्री आर थर्टी डिग्री एंड फोर्टी फाइव रेस्पेक्टिवली हाइट ऑफ द टावर सो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के आप डायग्राम को इमेजिन करने की कोशिश करिए कि बेसिकली देखो क्या हो रहा है कि दिस इज अ रिवर ओके ये मेरा रिवर है है मेरा क्यू है और इस रिवर जो कि आपकी हंड्रेड मीटर की जो रिवर है जिसका वेट जो हंड्रेड मीटर है इसके बीच में यहां कहीं क्या है एक छोटा सा आईलैंड है ओके नाव इस आईलैंड के ऊपर एक ट्री है सच दैट कैसा ट्री है सच दैट इस आइलैंड के ऊपर एक ट्री है सच देट पी And Q जो है वो एक ही लाइन में है। देखो बच्चों, बेसिकली देखिए क्या हो रहा है लेट सपोज ये मेरा रिवर है ओके ये मेरा रिवर है रिवर का एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया ओके कंसिडर माई हैंड एज द रिवर ओके ना इस रिवर के बीच में कहीं क्या है अपना बीच में अपना कोई आइलैंड है ओके नाउ लेट्स कंसीडर कि ये मेरा क्या हो गया बीच में ये अपना पूरा रिवर का वेट हो गया और ये बीच में क्या हो गया इसका आइलैंड हो गया ओके नाउ इस आइलैंड के ऊपर वी हैव ए ट्री इस आइलैंड के ऊपर क्या है एक ट्री है तो वो आइलैंड के ऊपर ट्री आपका इस टाइप से होगा ना ओके और p और q पॉइंट मुझे कैसे लेने हैं p और q पॉइंट मुझे इस टाइप से लेने हैं कि p ट्री एंड क्यू ये तीनों क्या हो आपके एक लाइन में हो सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा ट्री हो गया ऊंचा सा ट्री हो गया ओके okay? अब इस ट्री के टॉप से और पी पॉइंट पर अपना एक एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा सिमिलरली ट्री के टॉप से और इस क्यू पॉइंट पर भी मेरा एक एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा ओके okay? देखिए ये मेरा आइलैंड हो गया नाओ सपोज करिए कि जो ट्री है वो मैं इस टाइप से बना रहा हूं ओके okay? ये आपका ट्री हो गया नाउ क्या गिवन है आपको इस पॉइंट पी से इसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और इस ट्री के टॉप से इस पॉइंट क्यू के ऊपर भी हमें एक एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ओके डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन का फील आया कि एंड्स जो तो किनारे जो हैं वो हंड्रेड मीटर वेट के हैं और एंड्स के ऊपर या फिर बैंक्स के ऊपर मेरे पास कोई दो पॉइंट पी एंड क्यू है और रिवर के अंदर वी हैव हाँ आइलैंड और उस आइलैंड के ऊपर एक ट्री है ओके एंड ट्री इज लाइक दिस कि पी क्यू एंट्री आर ऑन द सेम लाइन वो तीनों आपके एक ही लाइन में है कुछ इस टाइप से है ओके नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दैट ट्री ओके तो ये तो इलस्ट्रेशन हो गया आपको समझाने के लिए ओके नाउ लेट्स ड्रो ए रे डायग्राम हम यहां पर अब एक, एक डायग्राम बनाते हैं सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा पॉइंट P हो गया दिस इज माई पॉइंट Q और ये मान लेते हैं मेरा पॉइंट O हो गया ओके okay? नाउ P और Q क्या है मेरे P एंड Q क्या है बताइए P एंड Q मेरे क्या है एंड्स है ऑन द बैंक्स है ना सो दिस इज हंड्रेड मीटर एंड्स हैं जो रिवर जो है ना उनके जो एंड है उनको वो, वो क्या आपके पी और क्यू पॉइंट होंगे ओके नाउ ओ मेरा जो आइलैंड है उसके ऊपर लेट सपोज मान लीजिए एक ट्री है ओ आर ओके सो बेटर रहेगा अगर मैं लिख दूं कि लेट पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर

मीटर मान लेता हूं ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ और क्या गिवन अपने को द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी एंड क्यू एट द टॉप ऑफ द ट्री आर रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री सो so, ये मेरा पॉइंट पी है और ये ट्री का टॉप है भी ये बॉटम है और ये ये ट्री जो है वो आपका इस तरफ ऐसे है बट ऐसे तो बना नहीं सकता दैट्स व्हाई ऐसे बनाया ओके okay? नाउ ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिस एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन ये अपने को कितना दे रखा है थर्टी डिग्री एंड दिस फोर्टी फाइव डिग्री रेस्पेक्टिवली बोला दैट मीन पी पर एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा थर्टी डिग्री का है और पॉइंट क्यू पर मेरा फोर्टी फाइव डिग्री का है ओके okay? नाउ मैंने इस हाइट को क्या माना है एच और हमें यही हाइट ही तो फाइंड करना है हमें यही एच फाइंड करना है ओके सो लेट्स डू सो डियर स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है पहला ट्राइंगल ये है दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास ये है सो वट कैन आई डू मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ बेसिकली मुझे हाइट चाहिए ओके सो लेट्स फाइंड हाइट सो डियर स्टूडेंट्स आई एम राइटिंग कि इन ट्राइंगल आर ओ पी आर ओ पी ट्राइंगल में क्या मैं टेन थर्टी फाइंड कर सकता हूँ टेन थर्टी क्या हो जाएगा मेरा ओ आर अपॉन ओ पी ओके दैट इज टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू ओ आर इज एच अपॉन ओ पी एंड टेन थर्टी कितना होता है मेरा वन बाय रूट थ्री यस और नो यस सो यहां से OP का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास एच रूट थ्री दिस इज इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल कौन सा है मेरा ये वाला आर ओ क्यू इन ट्राइंगल आर ओ क्यू मेरा टेन फोर्टी फाइव डिग्री क्या बन जाएगा टेन फोर्टी फाइव विल बी एच दैट इज ओ आर अपॉन ओ क्यू यस टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना टेन इज वनवल्स टू ओ आर मेरा एच है डिवाइडेड बाई ओ क्यू ओके सो फ्रोम ह्योर आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ क्यू दैट विल बी इक्वल्स टू एच एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू माई डियर फ्रेंड्स देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है ओ पी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू हंड्रेड यस और नो ओ पी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू हंड्रेड ना रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ओ पी ओ पी इज एच रूट थ्री ओ क्यू इज एच इक्वल्स टू हंड्रेड सो फ्रॉम यर आई कैन टेक एच कॉमन सो दिस विल बी रूट थ्री प्लस वन इक्वल्स टू हंड्रेड सो एच का वैल्यू आ चुका है हमारा रूट थ्री दिस ओके So, ये अभी तक मेरा फाइनल आंसर नहीं आया वाई बिकॉज स्टैंडर्ड आंसर क्या बोलेगा देखिए अगर आपका स्टैंडर्ड रूल है ना सो वहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है ना डिनोमिनेटर में मेरा रूट नहीं रखते सो हम क्या करने वाले हैं अब मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा लाइक दिस रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसके बीच का जो साइन है उसको आप चेंज कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ओके नाउ दिस विल बी टेन रूट थ्री माइनस का वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी दैट विल बी रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर सो माय डियर फ्रेंड्स दिस विल बी दिस डिवाइडेड बाय रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस का वन विच विल बी टू यस सो हंड्रेड रूट थ्री माइनस वन बाई टू और यहां से आंसर आ गया मेरा फिफ्टी रूट थ्री माइनस का वन मीटर ओके और मैं रूट थ्री का वैल्यू पुट कर दूंगा वन पॉइंट सेवन थ्री टू माइनस वन सो दिस विल बी फिफ्टी इंटू पॉइंट सेवन थ्री टू एंड यू विल गेट आंसर कितना आ जाएगा हमारा देखिए थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर और यही मेरा फाइनल आंसर है ओके सो आई होप सबको ये फिगर समझ में आया होगा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये लेट सपोज ये हैंड मेरा रिवर है ये एक पॉइंट ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया ओके okay, नाउ इस रिवर में कोई आइलैंड है उस आइलैंड के ऊपर लेट सपोज मेरा मार्कर क्या हो गया ट्री हो गया ओके okay, सो so मैं ऐसे तो बना नहीं सकता तो मैंने क्या किया मैंने इसको बोर्ड पर ऐसे बनाया हुआ है ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ एक एंगल ऑफ एलिवेशन इसका टॉप ये है तो टॉप से आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री और टॉप से आपका इस साइड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज गिवन एज 30 डिग्री ओके सो ये 30 डिग्री हो गया ये मेरा 45 डिग्री हो गया नाउ वी हैव टू राइट एंगल ट्रा सो सिंपली मैंने यहां से भी टेन थीटा फाइंड किया और यहां से भी मैंने टेन थीटा फाइंड किया है सो डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां से जब टेन थीटा फाइंड किया तो दैट विल बी एच अपॉन दिस ओ तो यहां से मैंने ओ का वैल्यू फाइंड कर लिया वो आ गया एच रूट थ्री सिमिलरली जब मैं यहां से टेन फोर्टी फाइव फाइंड करूंगा तो क्या बनेगा मेरा एच अपॉन ओ क्यू और फ्रॉम देयर आई हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ क्यू नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओ पी प्लस ओ क्यू इज हंड्रेड मीटर बिकॉज क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि द दिथ ऑफ द रिवर इज हंड्रेड मीटर सो वी आर गोइंग टू यूज दैट सो मैंने जब पुट किया तो मेरे पास ये आया बट मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो मैंने रैशनलाइज किया रैशनलाइज करने के बाद आंसर मेरा थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स मीटर नाउ एग्जाम्पल नंबर सिक्स देखिए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट रोड विच गोज टूवर्ड्स ए टावर ओके सो so, देखिए कि मेरे पास यहां पे कोई टावर है लेट सपोज मैं वो टावर मान लेता हूं ए बी ओके सो ये हमारा टावर हो चुका है नाउ कोई कार है ओके okay? और कोई कार जो है वो इस टावर की तरफ जा रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 हंड्रेड मीटर फ्रॉम द टावर भी टावर का जो टावर से 500 हंड्रेड मीटर डिस्टेंस दूर 500 मीटर डिस्टेंस दूर पर क्या देखिए आगे क्या पढ़ते हैं कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम टावर दिस इज टावर टावर तो से 500 मीटर डिस्टेंस दूर ड्राइवर ऑफ द कार ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री टावर से 500 मीटर दूर ड्राइवर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टावर का जो टॉप है ना वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है थर्टी डिग्री है ओके जब आप फाइव हंड्रेड मीटर दूर था तब उसने ऑब्जर्व किया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज थर्टी डिग्री ओके आगे आफ्टर टेन सेकेंड आफ्टर ड्राइविंग द कार फॉर टेन सेकेंड वी आफ्टर ड्राइविंग फॉर टेन सेकेंड टूवर्ड्स टावर ये क्या बोल रहे हैं टूवर्ड्स द टावर ओके तो अभी भी जो आपका ड्राइवर है है चल रहा द टावर ही चल रहा है तो यहां से टेन सेकेंड चलने के बाद वो मान लो यहां कहीं आ गया होगा ओके टूवर्ड्स द टावर ही चल रहा है वो अभी तो पहले इसका इनिशियल पोजिशन ये था यहां से वो टुवर्ड्स द टावर चला फॉर टेन सेकेंड्स तो लेट सपोज ये उसका पोजिशन आ गया नाउ ही अगेन ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिग्री। नाउ ही इज ऑब्जर्विंग कि अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज सिक्सटी डिग्री ओके डियर स्टूडेंट्स समझ आया क्वेश्चन देखिए ये ए बी जो है वो मेरा टावर है ओके okay, नाउ टावर से 500 मीटर दूर ड्राइवर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टॉप है ना टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का फिर वो 10 सेकंड चला 10 सेकंड चलने के बाद उसने फिर से क्या ऑब्जर्व किया कि अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो चुका है सो so, हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द स्पीड ऑफ कार हमें कार का स्पीड फाइंड करना है सो डियर स्टूडेंट्स मुझे स्पीड कैसे मिलती है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम ओके और टाइम तो मुझे दे रखा है टेन सेकंड का और ये टेन सेकंड जो दे रखा है वो कौन सा टाइम है वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है ना वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है सो डियर स्टूडेंट्स मैं स्पीड कैसे फाइंड कर पाऊंगा इफ मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं निकाल सकूँ एंड टाइम तो अपने को ये टेन सेकेंड दे रखा है सो लेट्स से दिस इज पॉइंट सी और ये है अपना पॉइंट डी सो बेसिकली आपको स्पीड कैसे मिलेगा अगर मैं इस डिस्टेंस सी डी को डिवाइड कर दू टाइम से विच इज टेन सेकेंड अब मैंने ये सी डी ही क्यों लिया डिस्टेंस बिकॉज जो मुझे टाइम दे रखा है क्वेश्चन में वो डी से सी तक पहुंचने का है तो डिस्टेंस भी मैं क्या डिस्टेंस भी मैं यही लूंगा डी से सी तक का ही डिस्टेंस ओके सो बेसिकली वी विल फाइंड दिस डी सी और डी सी मिलते ही मुझे मैं उसको डिवाइड कर दूंगा टेन सेकेंड से देन आई विल फाइंड देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द Okay, dear students. So let's proceed this question. So let's say let A B let height of tower. Let height of tower. ए बी इज इक्वल टू एच मीटर इसको मैंने मान लिया है एच मीटर ओके स्टूडेंट ना देखिए फाइव हंड्रेड मीटर दे रखा है बी से डी ओके ना बी डी जो है वो मुझे दे रखा है फाइव हंड्रेड मीटर के ओके okay, तो मैं क्या मान लेता हूं लेट द कार लेट कार एक्स मीटर इन टेन सेकेंड कार जो है वो एक्स मीटर ट्रेवल्स करती है टेन सेकेंड में is, CD मैंने क्या मान लिया एक्स मीटर तो ये हो गया मेरा एक्स मीटर सो डियर स्टूडेंट्स बहुत इजीली बीसी क्या हो जाएगा मेरा फाइव हंड्रेड माइनस एक्स मीटर यस और नो यस फाइव हंड्रेड माइनस एक्स मीटर जो है वो मेरा बी सी हो जाएगा ना हो मेरे पास कितने ट्राइंगल्स बन रही हैं अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं सो so, उन ट्राइंगल्स को हेल्प से आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ओके सो देखिए प्यारे बच्चों पहले मैं बात करता हूं कि इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल दिस बड़ा वाला इन ट्राइंगल वी हैव ए बी डी सो ए बी डी से टेन थीटा मेरा किसके इक्वल होगा अभी परपेंडिकुलर दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय बेस क्या हो जाएगा मेरा बी डी बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बड़ा वाला ट्राइंगल तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है ये बी डी है यस और नो यस नो टेन इज थर्टी डिग्री इक्वल्स टू ए बी मेरा एच हो गया

ओके okay, बट हमें क्या चाहिए हमें तो ये एक्स चाहिए सो हाउ विल आई गेट दिस एक्स अब मैं ट्राइंगल लूंगा छोटे वाला कि इन ट्राइंगल दिस ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी अच्छा मैंने ये वाला ट्राइंगल क्यों नहीं लिया ए सी डी लेके मैं क्यों सोल्व नहीं कर रहा इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि मैं ये ए सी डी ट्राइंगल क्यों नहीं ले सकता ओके डियर स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट आता है ए बी सी सो एबीसी ट्राइंगल ले रहा हूं मैं सो so, ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा मेरा क्या होने वाला है ए बी अपॉन बी सी ना टेन सिक्सटी इक्वल्स टू ए बी मेरा एच है डिवाइडेड बाय बी सी इज फाइव हंड्रेड माइनस का एक्स माइ डियर स्टूडेंट्स, ओके नाउ टेन सिक्सटी इज रूट थ्री इक्वल्स टू डियर स्टूडेंट्स वी हैव एच एंड एच का वैल्यू है मेरे पास फाइव हंड्रेड अपॉन रूट थ्री ओके एच इज फाइव हंड्रेड अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई फाइव हंड्रेड माइनस का एक्स नाओ क्रॉस मल्टीप्लाई सो दिस विल बी थ्री इन टू फाइव हंड्रेड माइनस एक्स इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड नाओ दिस विल बी फिफ्टीन हंड्रेड माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू 500 my dear students now minus 3x will be 500 minus 1500 and that will be minus ka 100 okay so yahan se x mera aa chuka hai 100 by 3 okay this is our h Sorry. फिफ्टीन ओके Okay. 1000 हो जाएगा नहीं Yes. ओके, सो एक्स मेरा आ चुका है नाउ स्पीड कैसे मिलेगा स्पीड विल बी आई विल राइट की स्पीड ऑफ कार इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टेन सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम ओके नाउ टेन सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सी डी कर रहा है ना अपॉन टाइम ओके नाउ सी डी कितना है सी डी मीन्स एक्स अपॉन टाइम कितना लगा उसको टेन लगा यस नाउ एक्स इज दच डिड बाई थ्री इंटू टेन एक से कैंसिल हुआ आंसर कितना है मेरा? 100 upon yes. so, 100 upon मेरा आया मेरा हंड्रेड अपॉन थ्री यस सो हंड्रेड अपॉन थ्री मेरा किसमें आया हंड्रेड अपॉन थ्री ओके आई एम रिमूविंग दिस पोर्शन फ्रॉम योर सो so, स्पीड कितना आया मेरे पास स्पीड ऑफ कार आ चुका है मेरा हंड्रेड अपॉइंट थ्री इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड यस और नो बिकॉज डिस्टेंस जो हो मैंने मीटर में लिखा है टाइम मैंने सेकेंड में लिखा है सो लेट्स कन्वर्ट इट इंटू इसको मैं कन्वर्ट करता हूं किस में मिनट में कन्वर्ट कर दूं या फिर यही छोड़ दूं आंसर ओके सो चाहो तो आप इसको आगे भी कन्वर्ट कर सकते हो ज योर मीटर पर सेकेंड ओके चलो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर कन्वर्ट कर देते हैं ओके नाउ सो दिस इज हंड्रेड अपॉन थ्री सो मीटर को मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो मैं क्या करूंगा इसको मैं डिवाइड कर दूंगा वन थाउजेंड से yes or no? yes. Now, ये और नो यस ना ये थ्री मेरा सेकेंड है ना तो इस सेकेंड को मुझे कन्वर्ट करना है लेट से मिनट में सो so हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको सिक्सटी से दो yes no? yeah. <laughs> से दो आपका ये कैंसल हो गया एक से एक आपका ये कैंसल हो जाएगा तो सिक्स अपॉन थ्री कितना आ गया टू यूनिट क्या बना अब किलोमीटर पर मिनट मतलब एक मिनट में वो दो किलोमीटर चलेगा एक मिनट में वो दो किलोमीटर चल जाएगा ओके okay, समझ आ गया मैंने कन्वर्ट कैसे किया ये था आपका मीटर पर सेकंड में सो so, हंड्रेड क्या है मेरा मीटर तो मीटर को कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर में मुझे डिवाइड करना पड़ा थाउजेंड से और थ्री क्या है सेकंड तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ा मुझे सिक्सटी से सो so, दो से जीरो कैंसिल हो गया एक जीरो ये कैंसिल हो गया सो सिक्स अपॉइन्ट थ्री टू किलोमीटर सो टू किलोमीटर पर मिनट जो है वो मेरा आंसर आ गया ओके डियर स्टूडेंट्स सो दिस वाज अवर एग्जांपल नंबर फाइव चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं नाउ नेक्स्ट एग्जांपल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स सी एंड डी फ्रॉम बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच ओके देखिए लाइन लाइन बाय द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर सो मेरे पास एक तो टावर है तो सबसे पहले आप टावर ही बना लो ए बी ओके फ्रॉम फ्रॉम टू टू सी सी एंड एंड डी डी ओके तो एंगल ऑफ एलिवेशन की जो बात कर रहा है वो कहां से है वो टॉप ऑफ द टावर दैट इज ए से सी एंड डी पॉइंट्स की है अब देखते हैं भी इस सी और डी पॉइंट्स के बारे में क्या दे रखा है जो आपके सी एंड डी पॉइंट है इनको मैं बेस ऑफ द टावर से मेजर करूंगा ओके फ्रॉम बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन मतलब जो आपकी सी और डी पॉइंट है ना वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विच मीनस की जो आपका पॉइंट सी है ना वो ए डिस्टेंस दूर है टावर एंड ये जो आपका पॉइंट डी है वो बी डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ दर्पेंडिकुलर सो लेट्स ड्रो दीज टू पॉइंट सो ये मेरा पॉइंट सी हो गया और यह मेरा पॉइंट डी हो गया ओके okay? ना ये जो आपका पॉइंट सी है डियर फ्रेंड्स इसका ए डिस्टेंस दूर है बी से और ये जो आपका पॉइंट डी है दिस इज एट डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ऑफ बी अवे फ्रॉम द द फुट टावर समझ आ गया सी जो है वो ए डिस्टेंस दूर है डी जो है वो आपका बी डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर क्लियर सबको नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन कहा से सी एंड डी फ्रोम ए ओके सो लेट्स ड्रो दिस दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट है ना यह आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई ओके बना दिया अब क्या बोला गया है कि जो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किस टाइप के हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर दैट मींस दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये दोनों एंगल्स क्या है मेरे कॉम्प्लीमेंट्री है विच मींस इन दोनों का सम क्या होगा वन एट सॉरी नाइन्टी डिग्री होगा ओके okay? क्या बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू पॉइंट सी एंड डी इज कॉम्प्लीमेंट्री दैट मीन इन दोनों एंगल्स का सम नाइन्टी डिग्री है देन वॉट वी हैव टू प्रू वी हैव टू प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज रूट ए बी तो ये जो आपका टावर है ना इसका हाइट रूट ए बी है सो लेट्स प्रूव दिसक सो लेट्स एज्यूम लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एच मीटर ओके मैंने ए बी को मान लिया एच मीटर ओके माई डियर स्टूडेंट नाउ लेट एंगल ए डी सी ये वाला जो एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन है या फिर ऐसे बोले कि लेट एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रोम टॉप ऑफ फ्रोम टॉप ऑफ टावर टू पॉइंट डी पॉइंट डी इज थीटा तो इसको मैंने मान लिया थीटा ओके देयर फोर एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर टू पॉइंट सी पॉइंट सी से सी के ऊपर क्या हो जाएगा नाइंटी डिग्री माइनस थीटा ओके सो दिस विल बी नाइनटी डिग्री माइनस का थीटा ओके समझ आ गया मैंने ये मान लिया कि जो टॉप ऑफ द टावर से इस पॉइंट डी के ऊपर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज थीटा सो दिस विल बी नाइनटी माइनस थीटा ओके सिंपली अब तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं तो उनमें मुझे क्या यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगाने हैं ओके सो आई विल राइट कि इन ट्राइंगल भी बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा है ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी थीटा क्या हो जाएगा मेरा ए बी अपॉन बी डी ओके नाउ टेन थीटा विल बी ए बी को मैंने क्या माना है एच दिस इज एच डिवाइडेड बाय बी डी बी डी इज बी ओके नाउ इन दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल छोटे वाला ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी टेन ऑफ नाइंटी डिग्री माइनस थीटा इज ए बी अपॉन बी सी ना टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा ए बी इज एच डिवाइडेड बाय बी सी इज ए ओके सो यहां से मेरे पास कोट थीटा आ चुका है एच अपॉन ए ओके

इन टू एच अपॉन बी एस और नो यस नाउ दिस टेन इंटू कोट क्या होता है मेरा वन होता है ना बिकॉज

एच इज रूट ऑफ ए बी यूनिट ओके बिकॉज ए और बी हमें मीटर में नहीं दे रखे सो so मैं एच को क्या बोल दूंगा यूनिट ओके डी स्टूडेंट्स समझ आ गया सो दिस वॉज अवर एग्जाम्पल नंबर सिक्स नाउ एग्जाम्पल नंबर सेवन देखिए We have two poles of of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. So let's suppose ये हमारा road है तो एक पोल यहाँ पे है और दूसरा पोल मेरा यहाँ पे है और पोल की जो हाइट है वो क्या है डियर माई फ्रेंड्स सेम है ओके सो लेट्स मेक ए डायग्राम सो देखिए जरा मान लेते हैं कि जो आपकी टू पोल्स है ना वो है ए बी एंड दूसरा पोल है मेरा ये सी डी ओके ए बी एंड सी डी क्या हो गए मेरे दो पोल्स हो गए ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ रोड ओके नाउ उस रोड का विथ हमें दे रखा है एट्टी मीटर दैट मीन्स ये जो बी सी है वो अपने को गिवन है एट्टी मीटर नाउ फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, ये जो आपके टू पोल्स है ना उनके बीच में कोई आपका पॉइंट है लेट से दिस पॉइंट इज पी ओके क्या हुआ कि ये आपका रोड हो गया रोड के एंड्स पर क्या है यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पोल हैं इक्वल हाइट्स के तो मैंने बना दिया ए बी एंड सी डी जो है वो मैंने दो पोल्स बना दिए अब रोड के कहीं मेरा एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इस पॉइंट से प्यारे बच्चों मुझे ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा ना और इस टावर के लिए इस पॉइंट पर मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यह बात समझ आई कि इस पॉइंट पर इस पोल से एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा और इस पोल पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यह हो जाएगा ओके okay? कि फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल ए बी द एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट पी इज दिस एंड फ्रॉम टॉप ऑफ दिस पोल सी डी द एंगल ऑफ एलिशन एट पॉइंट पी विल बी डिस आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ये और इस वाले पोल के लिए ये हो जाएगा तो यही बात बोला हुआ है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दम ऑन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ दोल्स आर सिक्सटी डिग्री एंड थर्टी डिग्री रेस्पेक्टिवली सो ये दोनों हो चुके हैं मेरे सिक्सटी डिग्री एंड थर्टी डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड हाइट ऑफ पोल्स हमें हाइट फाइंड करना है पोल का साथ में ये जो आपका पॉइंट पी है ना वो इन दोनों पोल से कितना डिस्टेंस दूर है ये हमें फाइंड करना है ओके okay? क्वेश्चन आपको समझ आया चलिए सॉल्यूशन करते हैं सो डियर स्टूडेंट्स लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ए बी एंड सी डी क्या है मेरे टू पोल्स हैं ऑफ सेम हाइट एच मीटर ओके सेम हाइट एच मीटर के ये दो पोल्स हैं पी क्या है पी बी एनी पॉइंट ऑन द रोड पी बी एनी पॉइंट ऑन द रोड ओके सो ये भी मेरा एच मीटर हो गया ये भी मेरा एच मीटर हो गया डियर स्टूडेंट्स ओके okay? नाउ मैं, देखो ये टोटल आपका एटी मीटर है ओके तो मैं क्या मान लेता हूं कि जो पॉइंट पी है वो यहां से एक्स मीटर दूर है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा वो आपका एटी माइनस एक्स मीटर दूर हो जाएगा ना सो लेट सपोज लेट पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स मीटर फ्रॉम पोल ए बी भी ये जो है उसको मैंने मान लिया एक्स बी आपका जो पॉइंट पी है ना वो ए बी से एक्स मीटर दूर है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर मेरा एटी माइनस एक्स हो जाएगा Therefore, भी मैं सेम वही चीज लिखूंगा फिर से ओके डिस्टेंस ऑफ के बाद हो जाएगा एटी माइनस एक्स फ्रॉम पोल सी डी क्लियर हो गया मैंने ये अज्यूम कर लिया कि जो आपका पॉइंट भी है वो यहां से एक्स मीटर है तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा इज क्लियर टू एवरी वन ओके नेक्स्ट चलिए सो अब तो बहुत इजी है कि मेरे पास यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं सो so, पहले इन ट्राइंगल ए बी पी फाइंड टेन थीटा सो टेन थीटा विल बी वोट ए बी अपॉन बी पी नाउ थीटाइज सिक्सटी डिग्री सो इट विल बी एच अपॉन एक्स सो यहां से मेरा क्या बना कि रूट थ्री इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स सो एच का वैल्यू आ गया रूट थ्री एक्स और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर वन नाउ इन ट्राइंगल दूसरा वाला ट्राइंगल डी सी पी तो यहां पर जो टेन थीटा है विच इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी पी येस और नो दिस परुलर अपॉन बेस नाउ टेन ऑफ थर्टी डिग्री इक्वल्स टू सी डी इज एच अपॉन एटी माइनस एक्स नाउ वन अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू एच अपॉन एटी माइनस एक्स तो यहाँ से एच मेरा आ चुका है एटी माइनस एक्स अपॉन रूट थ्री दिस इज इक्वेशन नंबर टू ओके नाउ इन दोनों इक्वेश्स का लेफ्ट साइड सेम है सो राइट साइड भी सेम हो जाएगा यस और नो यस नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई सो थ्री एक्स मेरा आ चुका है एट्टी माइनस एक्स ना ये माइनस मेरा यहाँ आएगा तो फोर एक्स हो गया एट्टी एंड एक्स का वैल्यू हो जाएगा एट्टी अपॉन फोर दैट इज एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी मीटर ओके सो एक्स मेरा ट्वेंटी मीटर आ चुका है क्या मैं अब फाइंड कर सकता हूँ एच एक्स ट्वेंटी आ गया क्या मैं एच फाइंड कर सकता हूँ यस yes? आप पुट करिए इसमें ओके सो पुटिंग एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी इन इक्वेशन नंबर वन देन एच विल बी इक्वल्स टू रूट थ्री ट्वेंटी रूट थ्री ओके नाउ ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री टू सो वी विल गेट हाउ मच ट्वेंटी इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री टू मल्टीप्लाई कर दीजिए सो दिस विल बी माई डियर फ्रेंड्स टू सिक्स फोर एंड टू थ्री ओके सो वी आर गेटिंग थर्टी फोर पॉइंट सिक्स फोर मीटर सो ये आ चुका है मेरा हाइट ओके सो ये एच आ चुका है मेरा और ये आ चुका है क्या अपना एक्स आ चुका है ओके okay? अब मेरा आंसर मैं एंड कहां करूंगा अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था वो वो मेरे से हाइट ऑफ टावर पूछ रहा था और इस पॉइंट पी का डिस्टेंस पूछ रहा था वो दोनों टावर से ओके तो आंसर बी मैं वही एंड करूंगा सो व्हाट विल आई राइट एट द एंड कि द हाइट ऑफ टावर द हाइट ऑफ बोथ पोल्स यहां पर पोल्स है द हाइट ऑफ बोथ पोल्स इज इक्वल टू या फिर द हाइट ऑफ बोथ पोल्स इज ट्वेंटी रूट थ्री ट्वेंटी रूट थ्री ओके या फिर क्या लिख सकते हो आप थर्टी फोर पॉइंट सिक्स दिस मीटर ओके नाउ सेकंड क्या पूछ रहा था हमसे वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम बोथ पोल्स ओके सो आई विल राइट कि द पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी मीटर ट्वेंटी मीटर फ्रॉम वन पोल एंडी मीटर अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम दूसरा पोल अनदर पोल ओके okay? सो so, ऐसे में क्वेश्चन को फिनिश करूंगा ये टिप हमेशा याद रखना जहां आपका क्वेश्चन खत्म होता जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना वहीं पर अपने को क्वेश्चन को एंड करना है सॉल्यूशन को एंड हमारा वहीं पर होना चाहिए हमेशा ओके सो डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अप टू एग्जाम्पल नंबर सेवन ओके सो आज की वीडियो में हमने कितने एग्जाम्पल्स कर लिए छह एग्जाम्पल कर लिए ओके सो so, इसमें एक एग्जाम्पल और रह चुका है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी सो so, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लोग फैला दो ओके सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू